वेलकम बच्चों, जैसा कि मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस नए वीडियोस में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस और टाइम के बारे में बताया था, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ के बारे में बताया था। ये आपका दूसरा टाइप्स ऑफ ग्राफ है जो कि आपका स्पीड और टाइम ग्राफ है। जैसे कि मैंने बताया था, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, डिस्टेंस उसमें भी होते हैं, डिस्प्लेसमेंट होते हैं, बस डिफरेंस होता है डायरेक्शन का, मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो दोनों तरह के ग्राफ को हम डील कर रहे हैं, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम, या कह लीजिए सेम ही है दोनों, बस डायरेक्शन का डिफरेंस है दोनों। तो पहला केस जो है वो आपका बोला जा रहा है, पहला केस में है कि अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, उसका स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स्ड स्टार्टिंग। मान लीजिए किसी बॉडी को हमने मेजर करना, उसका स्पीड या उसका वेलोसिटी मेजर करना ही शुरू किया, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये बॉडी ना तो वो ऊपर जा रहा है इसका स्पीड, ना तो इसका स्पीड नीचे आ रहा है। तो देखिए, बॉडी का स्पीड ना तो ऊपर ना तो नीचे जा रहा है, तो ये बॉडी जो है आपका वो है स्ट्रेट लाइन बिल्कुल। इससे जो ग्राफ है, ये जो टाइम एक्सिस है और ये जो स्पीड एक्सिस है, यानी इधर स्पीड डिनोट कर रहा है और इधर टाइम डिनोट कर रहा है, ये जो ग्राफ है इस एक्सिस से बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। कोई लाइन डाउन एक्सिस की है, यानी मेरा जो यहाँ पर एक्सिस है ओ सी, इस एक्सिस के अगर बिल्कुल पैरेलल जाए, तब उसमें जो मेरा कहना है, बात यह है कि उसमें आपका जो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड होता है वो लगता है। अब बात किया जाए कि हम बता देते हैं स्पीड और वेलोसिटी से हमको यहाँ पर स्पीड और टाइम या वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से हमको पता चलेगा एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इसमें क्या एक्सेलरेशन लगा भाई, इसमें एक्सेलरेशन क्या लगा? तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे बॉडी कांस्टेंट है, ना तो एक्सेलरेट कर रहा है, ना तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, ना तो एक्सेलरेशन दे रहा है, ना तो स्पीड कम कर रहा है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं, नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हियर, यहाँ पे कोई भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड नहीं होगा। मतलब कि ये यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म के साथ साथ एक कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे लग जा रहा है। यही कारण है कि ये जो है आपका, इसमें आपका वेलोसिटी या स्पीड जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। और ये है आपका पहला टाइप जो कि स्पीड और टाइम ग्राफ का है, इसके बाद दूसरे टाइप में भी बताऊंगा। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये है आपका दूसरा टाइप। पहला मैंने बताया था यूनिफॉर्मली रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कि जब स्पीड यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा, यूनिफॉर्म रेट मतलब यूनिफॉर्मली स्ट्रेट लाइन। हाँ, जाहिर सी बात ही है, जीरो से लेके हाईएस्ट भी जा सकता है, या हाईएस्ट से लेके जीरो भी आ सकता है। हाँ, एक्सेलरेशन मैंने बताया था दो तरह का होता है, ये समझ लीजिए आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन है जो कि आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। अब जाहिर सी बात है, स्पीड वेलोसिटी और टाइम, यानी स्पीड और टाइम के ग्राफ से हमको एक्सेलरेशन का मतलब बताया था। तो चलिए हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों कहा गया। इसके जैसे बॉडी स्टार्टिंग से चला जीरो पर था, यूनिफॉर्मली राइज किया और एक पॉइंट पर आकर रुक गया, यूनिफॉर्मली राइज किया, यानी जाहिर सी बात है वेलोसिटी में चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वो इंक्रीज किया तो एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट्स पर, स्पीड या वेलोसिटी टाइम के साथ। ये था पहले हाईएस्ट, मतलब स्पीड इसका था ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे वो चला वो धीरे धीरे डिक्रीज कर दिया जीरो पे आ गया। तो ये शुरुआत तो किया अच्छा, लेकिन वो घट के आ गया जीरो पे, यानी यहाँ पर एक्सेलरेशन तो हुआ लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम लोग दूसरा नाम देते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये था आपका दूसरा टाइम जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली या तो एक्सेलरेट करे या तो डी एक्सेलरेट करे, ठीक है। अब ये इसके बाद हम पढ़ेंगे जो है आपका तीसरा टाइम जो कि है नॉन यूनिफॉर्म चेंज करता है, ये तो यूनिफॉर्म था, उसके बाद पढ़ेंगे अगर जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज करता है तब हम कैसे करेंगे। और एक चीज बता दूं, हमको स्पीड और टाइम का वेलोसिटी का एक्सेलरेशन से ही रिलेशन क्यों होता है। मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बताया था
चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड दोनों में से किसी एक में चेंज हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको बोलेंगे क्या, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे स्पीड और टाइम चेंज कर रहा है, स्पीड और टाइम आपस में चेंज कर रहा है, तभी ना आया एक्सीलरेशन फॉर्मूला।